हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ इंस्पायर्ड में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इन अ फ्यू सेकंड निकाला जा सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे वन होता है अगर किसी नंबर के किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे वन है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे या तो वन होता है या नाइन होता है अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे फोर है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे या तो दो होगा या आठ होगा इसी तरह अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे नाइन है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे या तो थ्री होगा या सेवन होगा अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे छः है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे या तो चार होता है या छः होता है अगर कोई भी पाँच जिसके भी एंड में होगा परफेक्ट स्क्वायर के उसके यूनिट डिजिट पे पाँच ही आएगा और किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे अगर ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे भी ज़ीरो ही आएगा इसके अलावा अगर कोई भी नंबर होता है जिसके यूनिट डिजिट पे तीन हो आठ हो सात हो ठीक है तो ये जो नंबर होते हैं ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते ठीक है और परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे तो उनके यूनिट डिजिट पे यही नंबर आएंगे अब हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं पहले हम इसको धीरे धीरे समझेंगे एक दो एग्जाम्पल हम समझेंगे उसके बाद हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम नाइन सिक्स ज़ीरो फोर फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले हम पीछे से इसमें पेयर बनाना शुरू करते हैं ठीक है दो दो के पेयर बनते हैं इसमें तो अब हम देखते हैं जो हमारा राइट वाला पेयर है यूनिट डिजिट में इसमें कितना है फोर फोर कब यूनिट डिजिट पे होता है किसी परफेक्ट स्क्वायर के जब उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे या तो दो रहा हो या आठ रहा हो ठीक है या तो दो रहा हो या आठ रहा हो अब हम देखेंगे नाइन्टी सिक्स को ठीक है इससे तुरंत पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आया होगा 81, वन ठीक है एटी वन किसका एटी वन का स्क्वायर रूट कितना होता है नाइन ठीक है यानी टेंथ प्लेस पे आपका नाइन आएगा ही आएगा ठीक है अब आपको देखना है कि ये नाइन्टी टू बनेगा या नाइन्टी एट बनेगा उसके लिए हम क्या करते हैं कि नाइन का स्क्वायर लिखेंगे कितना एट्टी वन और नाइन को इसके सक्सेसिव से मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेसिव यानी नाइन के जो तुरंत बाद आता है यानी टेन नाइन इंटू टेन कितना होगा नाइनटी ठीक है अब हम इस नाइनटी सिक्स को एट्टी वन और नाइनटी से कंपेयर करेंगे ये जिस नंबर के पास होगा ठीक है अगर छोटे वाले नंबर के पास है तो छोटा वाला नंबर आएगा यूनिट डिजिट पे अगर बड़े वाले नंबर के पास है तो बड़े वाला नंबर आएगा अब आप देखो 9681 के पास है या 90 के पास है तो आप देखोगे कि ये 90 के पास है यानी बड़े वाले नंबर के पास है यानी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 8 यानी 9604 का स्क्वायर रूट कितना है 98 चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको और अच्छे समझते हैं मैं दूसरा एग्जाम्पल ले, ले लेता हूँ सिक्स सेवन टू फोर ठीक है सिक्स सेवन टू फोर इसमें पीछे से हमने पेयर बनाया अब यूनिट डिजिट पे क्योंकि फोर है तो या तो यूनिट डिजिट पे दो आएगा या आठ आएगा अब सिक्सटी फोर के तुरंत पहले कौन सा स्क्वायर आता है सिक्सटी फोर सॉरी से पहले कितना आता है 64, 64 होता है होता आठ का स्क्वायर यानी टेंथ प्लेस की वैल्यू मिल गई आपको कितनी आठ ठीक है अब आठ का स्क्वायर कितना होगा सिक्सटी फोर और आठ का सक्सेसिव कितना होगा नौ तो आठ निम बहत्तर अब आप देखो सिक्सटी सेवन सिक्सटी फोर के पास है या सेवेंटी टू के पास है तो आप देखोगे छोटे वाले नंबर के पास है यानी सिक्स सेवन टू फोर का स्क्वायर रूट कितना हो गया एटी टू इस तरीके से आप किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं चलिए अब हम क्या करते हैं अब हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे <coughs> सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे क्या एट टू एट वन को ठीक है अब देखो इसमें यूनिट डिजिट पे कितना है one, पीछे से हमने पहले पेयर बना लिए के 81 और ठीक है है अब 81 जो है, इसमें कितना है वन है यानी यूनिट डिजिट पे वन आएगा या नाइन आएगा एट्टी टू के पहले कौन सा स्क्वायर आ रहा है एट्टी वन जो किसका है नाइन का स्क्वायर है यानी आपका टेंथ प्लेस पे क्या आएगा नाइन ठीक है नाइन आएगा अब आपको देखना है कि नाइन का स्क्वायर एट्टी वन और नाइन को जब सक्सेसिव से मल्टीप्लाई करोगे यानी टेन से कितना हो जाएगा 90 अब आप ये बताओ एट्टी टू किसके पास है एटी वन के या 90 के ऑफकोर्स एटी वन के यानी आपका आंसर कितना होगा 91 वन चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं सेवनटी सेवन फोर फोर ठीक है इसको यूनिट डिजिट पे कितना है फोर यानी यूनिट डिजिट पे कितना या तो 2 आएगा या तो टू आएगा या एट आएगा अब सेवनटी सेवन से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है फोर किसका स्क्वायर होता है एट का ठीक है यानी प्लेस पे एट आएगा अब आप देखो एट का स्क्वायर और एट को नाइन से मल्टीप्लाई करोगे सेवनटी टू तो सेवनटी सेवन किसके पास है सिक्सटी फोर के या सेवनटी टू के ऑफकोर्स सेवनटी टू के पास है तो आपका आंसर कितना होगा बड़े वाला यानी आंसर कितना हो जाएगा एट्टी एट तो इस तरीके से आप इन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम फाइव थ्री टू नाइन ठीक है अब देखो यूनिट डिजिट पे कितना है नौ नौ कब होगा जब यूनिट डिजिट पे तीन रहा हो या सात रहा हो फिफ्टी थ्री से तुरंत पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है फोर्टी नाइन किसका होता है सेवन का ठीक है सेवन का अब सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन और सेवन का सक्सेसिव कितना एट एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स ठीक है अब आप देखो 53 किसके पास है 49 के या 56 के ये 56 के पास है यानी बड़े वाले नंबर के पास है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 77 तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बाकी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप घर से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच आप अपना रिव्यू दीजिए और अगर आपको बेसिक कैलकुलेशंस की और वीडियोस देखनी है मैंने मल्टीप्लीकेशन पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको भी